हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप यू हैव एन अमेजिंग डे। मैं भी अपने डे को अमेजिंग बनाने के लिए आज करने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं खड़ा हूँ रोड पे और यहाँ पे मैं टेस्ट करने वाला हूँ 10 रुपये के अंदर खाना। आप लोग सोच सकते हैं 10 रुपये के अंदर क्या आता है। 10 रुपये के अंदर दिल्ली के अंदर तो कुछ नहीं आता दोस्तों। अगर आप 10 रुपये में ढूंढने चले दिल्ली के अंदर तो आपको गोलगप्पे तक नहीं मिलेंगे। तो मैंने एक ऐसी चीज़ ढूंढी है आपके लिए जहाँ पे आपको 10 रुपये के अंदर काफ़ी कुछ मिल जाएगा। स्नैक्स आइटम भी मिल जाएंगे और खाने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा, जैसे दाल चावल, कढ़ी चावल, पकौड़े, कचौड़ी, समोसे, हर एक आइटम 10 रुपये का है दोस्तों। आपको दिखा देता हूँ और आपको विश्वास नहीं होता 10 रुपये के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती है। ये देखिए दोस्तों, इस दुकान का नाम है श्री श्याम रसोई। एक बार ज़रूर रुकना पड़ेगा और वो मैं भी रुकता हूँ देख के। चार रोटी सब्जी सिर्फ 10 रुपये में, खाली कड़ी चावल 10 रुपये। और मैं बाकी आपको दिखा देता हूँ ये दुकान कहाँ पे है और आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सूरजमल स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, बिल्कुल एकदम पास है इसके। और आपको दिखा दो, जैसे आप नीचे उतर के आएंगे तो राइट हैंड साइड पर आपको दुकान दिख जाएगी। ये श्री श्याम रसोई करके नाम है इनकी दुकान का और बताने की तो ज़रूरत है नहीं कितना कुछ दे रहे हैं 10 रुपये के अंदर। मैं तो शुरू से जिस दिन मुहूर्त हुआ उसी दिन से आ रहा हूँ, शुरू से खा रहा हूँ, डेली खाता हूँ। बहुत बढ़िया है, अच्छा खिला जाता है, अच्छा मैदा, सब कुछ, सारी क्वालिटी कंपनी की चीज़ें हैं सारी। और ये सारी आइटमें मिलती हैं 25 रुपये में, थाली, 3 सब्जी पूरी, 3 सब्जी, 4 रोटी, चावल, सलाद। 10 रुपये में 4 रोटी और सब्जी, 10 रुपये के 4 समोसे जो मैं खा रहा हूँ, 10 रुपये की 4 कचौरी। बहुत बढ़िया है, इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काम कर रहा है, अगला कुछ नहीं मिल रहा है इसको। और जिसके पास पैसे नहीं भी है वो भी खा लेता है। देखो कितना बढ़िया समोसा, देखो देखो अच्छी तरह स्टफ है, सब कुछ बढ़िया है, साफ सुथरा, हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये देखो, ये समोसे के अंदर का पार्ट है, देखो बिल्कुल साफ है, सब्जी के साथ है। मेरा नाम प्रवीण भाई कोपी वाला है, ये 2.5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। और आपकी दुकान का नाम? श्री श्याम रसोई। आपने क्यों स्टार्ट करा? इसके पीछे जी बहुत बड़ा रीज़न है, जो लोग रोटी नहीं खा पाते थे तो मैं कई बार देखता था 10 रुपये में दिल्ली में कुछ नहीं मिलता, तो मैंने कहा वो ऐसा सिस्टम चालू कर दूँ जिसमें 10 रुपये में कोई भरपेट खाना खा सके। 10 रुपये में 4 रोटी है और 1 सब्जी है, और भी लेना चाहे तो और भी दे देते हैं उसको, तो चावल लेना चाहे साथ में चावल भी ले सकते हैं। कितनी बार भी रिफिल करा सकते हैं, मतलब बार बार ले सकते हैं? हाँ ले सकते हो, पेट भर के खाओ। ये नहीं है कि आपने 4 रोटी ले ली उसके बाद आपको 4 रोटी और जीता और खा लो, चावल खा लो कोई बात। और अंकल जिसके पास पैसे नहीं है वो बड़े शान से खाओ, ये मैं सोचती हूँ मेरे पैसे नहीं है वो शान से खाओ। और अंकल जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो लोग सब सेवा कर रहे हैं? नहीं, कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, कुछ 4 घंटे के लिए आता है, कोई 5 घंटे के लिए आता है, कोई 2 घंटे के लिए आता है, सब सेवा करते हैं। और अंकल कोई अगर सेवा करना चाहे? हाँ कर सकता है, सेवा करे आगे यहाँ पे, कोई सेवा के लिए दाम देना चाहता हो मेरे से फोन से कॉन्टेक्ट कर ले, हमें पैसे नहीं चाहिए, सामान भेजे,
चावल भेजते हैं, आटा भेजते हैं, दाल भेजते हैं, जो भी भेज देना चाहता हूँ सामान भेज बना के हम देते। थैंक यू अंकल, मुझे आपसे अच्छा लगा। श्री श्याम महाराज की कृपा है, श्री श्याम खाटू वाले बाबा की, और आपको ही सपने में आए थे वो, उन्होंने कहा भी सेवा करनी है, तो उस अगले दिन ही मैंने ये सेवा चालू कर दी। श्याम बाबा की कृपा है, जय श्री श्याम। टेस्टी लग रही है देखने के अंदर, और आपको इसमें दिखा देता हूँ इसके अंदर मेरे को क्या क्या मिला है। इसके अंदर मेरे को मिली है आलू की सब्ज़ी, कढ़ी, आलू की सब्ज़ी, और ये मिली है मेरे को कढ़ी, बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, थोड़ा एंगल चेंज कर दें। दोस्तों अब ठीक है, धूप कम आ रही है और हम शूट कर सकते हैं। रोटी के साथ टेस्ट कर लेते हैं इसको। अगर दोस्तों आपके पैसे नहीं है ना तो भी आप यहाँ पे आके खा सकते हैं, जैसे कि अंकल ने बताया, अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आप खा सकते हैं। और आप अगर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें आप डोनेशन कर सकते हैं तो वो चीज़ें डोनेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। बस पैसे मत देना अंकल, पैसे नहीं लेते हैं, आप सेवा कर सकते हैं, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें आप दान करने जाते हैं तो यहाँ पे आते थे आप दान कर सकते हैं। दोस्तों ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे, आप ये सारी चीज़ें करिए और मैं इस थाली को खाता हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत जिसे बोलते हैं प्यार से बनाई गई थाली है ये, मतलब इसके अंदर लोगों का प्यार है, जो यहाँ पे बनाने वाले जितने भी लोग हैं वो सब सेवा करने आए, तो इसके अंदर थाली के अंदर मैं कहूँगा अपना पर्सनली जो उनका प्यार है वो प्यार से लोगों के लिए बनाया है, वो चीज़ है। और आप भी आके यहाँ पे सेवा कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप कभी फ्री हो, सैटरडे संडे वाले दिन छुट्टी होती है तो आप भी आके यहाँ पे सेवा करिए और बनाइए, अगर आप कुछ चीज़ बना सकते हैं यहाँ पे, आलू छील लीजिए या कुछ भी आप सेवा करना चाहते हैं अपने आप से तो आप कर सकते हैं, मतलब पूरी सेवा है। ऐसे खाने को मैं रेट नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं वो मेरी हैसियत नहीं है उस खाने को, ऐसे चीज़ों को रेट करना बहुत ही अच्छा है, प्यार से मनाई होता है। और अंकल भी काफ़ी अच्छे हैं, जो इन्होंने काम स्टार्ट करा, बहुत प्यारे अंकल हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं, मतलब उनके दिल में और ऊपर वाले की कृपा थी कि ये काम करिए, लोगों की मदद करिए, उनको खिलाइए, ये सबसे बड़ा काम होता है लोगों की सेवा करना, उनको खिलाना, एक भूखे को खाना खिलाना बहुत बढ़िया है, जिसे बोलते हैं बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए ये काम करना। खाने के अंदर कुछ थाली के अंदर आप दोबारा उसको रिफिल करा सकते हैं, जितनी बार हो सके आप सब्जी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी मतलब पूरी सेवा है। ऐसे खाने को मैं रेट नहीं कर सकता, क्या बोलते हैं वो मेरी हैसियत नहीं है उस खाने को, ऐसे चीज़ों को रेट करना बहुत ही अच्छा है, प्यार से मनाई होता है। और अंकल भी काफ़ी अच्छे हैं, जो इन्होंने काम स्टार्ट करा, बहुत प्यारे अंकल हैं, दिल के बड़े अच्छे हैं, मतलब उनके दिल में और ऊपर वाले की कृपा थी कि ये काम करिए, लोगों की मदद करिए, उनको खिलाइए, ये सबसे बड़ा काम होता है लोगों की सेवा करना, उनको खिलाना, भूखे को खाना खिलाना बहुत बढ़िया है, जिसे बोलते हैं बहुत बड़ी बात है, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए ये काम करना। किसी भी चीज़ को दोस्तों अगर आप यहाँ पर खाने के लिए वेस्ट मत करना, कोई भी चीज़ पैकिंग मत, अगर आप जितना खा सकते हो उतना कर लीजिए, यही हम बोलते हैं।
मेरा भी रास्ते में आते पैसे निकाल दिए सारे पैसे निकाल दिए। बंदा भूखा कर रहा है मुझे खाना अच्छी बात है ये मतलब इन्होंने पैसे नहीं बोला तो इन्होंने लिख रखा है जो दिखावा है बाकी तो दो बार दिया भूखे से उन्हें मेरे को भी खिलाया इसको भी खिलाया।